नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं, यह बढ़हरा प्रखंड का सरैया पंचायत है और सरैया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष है हमारे साथ पिंटू प्रसाद जी। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं और एक शानदार जीत में आपको बता दूं कि पहली बार इन्होंने पैक्स अध्यक्ष का चुनाव निकाला है और आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, चूंकि पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव होता है अपने आप में काफ़ी टफ चुनाव होता है और इसमें सारे लोग मत नहीं दे पाते हैं। इसमें वही लोग अपना मत देते हैं जो सदस्य होते हैं, यानी कि कुछ पार्टिकुलर लोग ही जो किसान होते हैं वही लोग मत दे पाते हैं। तो निश्चित तौर से काफ़ी टफ चुनाव होता है और एक मैं आपको बता दूं कि लोहे के चने चबाने के बराबर होता है इस चुनाव को निकालना। काफ़ी सुंदर तरीके से युवाओं के नेता है और काफ़ी ही अच्छे समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं पिंटू प्रसाद जी, जिन्होंने अब की बार ये चुनाव निकाला है। आइए जानते हैं, बात करते हैं कि इस जीत का श्रेय ये किसको देना चाहेंगे और कैसे इनके मन में ख्याल आया कि मुझे चुनाव लड़ना है। विष्णु पर देख रहे हैं, जानना चाहेंगे पिंटू जी कि कैसे आपके मन में ख्याल आया कि आपको चुनाव पैक्स अध्यक्ष का लड़ना चाहिए और इसका जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे। यहाँ सरैया पंचायत का किसान भाई लोग का बहुत तरह का परेशानी था, न समय से खाद मिल रहा था, न समय से बीज मिल रहा था, या किसी तरह का लोन भी जरूरत है, पैक्स अध्यक्ष से नहीं मिलता। इसलिए किसान भाइयों ने बोला कि नहीं, आप हमको हरदम माने मदद करते हैं, आप फैक्स चुनाव लड़िए, हम लोग पूरा जनता यहाँ का मदद करेंगे। आप पहली बार चुनाव लड़े हैं पैक्स का, इसके पहले भी लड़े थे? इसके पहले भी एक बार लड़े थे। अच्छा, उस समय बिजी नहीं हो पाए थे, उस समय 30-32 वोट से हार गए थे। अब की बार आपके कंपटीशन में कितने लोग थे? बस दो ही नहीं, हम एक और पहले जो काफ़ी टफ चुनाव हुआ होगा, चूंकि पुराने अध्यक्ष को हराना अपने आप में एक बहुत बड़ा बात होता है। सब कोई का सहयोग रहा, अच्छा चुनाव निकला। संघर्ष तो ये है, एक पंचायत की स्थिति यही है कि हमारे पुराने जो भी हैं वही चुनाव जीते हैं। जानना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, चूंकि आप पहली बार चुनाव जीते हैं और निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा काम आपने किया है, चूंकि पहली बार आपने चुनाव निकाला है और वो भी पुराने अध्यक्ष को हरा के आपने निकाला है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जब किसानों ने आप पे इतना ट्रस्ट किया, किसानों ने आप पे इतना विश्वास किया, तो किसानों के बारे में आपने क्या सोचा है? किसान भाइयों को पूरा सहयोग करेंगे, जैसे भी होगा, समय से खाद, समय से बीज, जो भी जरूरत पड़ेगा हम मदद करेंगे। अच्छा, किसानों की तो बहुत सारी समस्याएं आप देखे भी होंगे, क्या लगता है क्या क्या समस्याएं उनके साथ होती है? समस्या तो बहुत तरह का है, लेकिन समस्या कुछ दिन में हम सब समझ जाएंगे, उसके बाद में हर एक तरह से उन लोगों की सुविधा जहाँ तक होगा हम देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो स्टोर रूम है कि नहीं? यहाँ पे यहाँ स्टोर रूम था, लेकिन अभी हम लोग को हाथ में नहीं मिला है, कुछ दिन समय लगेगा, प्रोसेस में है सर। हाँ, प्रोसेस में। चलिए, बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं, हमारी बात हो रही थी, ये पिंटू प्रसाद जी हैं जो कि नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष बने हैं। ये सरैया पंचायत है और सरैया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुनाव निकाले हैं और काफ़ी प्रशंसित मुद्रा में हैं। इनका कहना है कि किसानों ने जब मुझे अपना चेयरमैन चुना है, जब किसानों ने हम पे विश्वास किया है, तो किसानों की हक की लड़ाई हम लड़ेंगे, किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और व्यवस्थापूर्वक मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। चूँकि कहीं ना कहीं किसान परेशान थे, किसानों ने कहा था कि जब तक आप जैसे युवा साथी आगे बढ़कर हम लोग का नेतृत्व नहीं करेंगे, हम लोगों का कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तब जाकर हमने भी ठाना कि मुझे चुनाव निकलना है और मैं चुनाव पहली बार भी प्रयास किया था, लेकिन पिछले बार हमने कुछ 30-32 वोटों से हमारी हार हो गई थी। लेकिन एक कहावत है कि करत करत अभ्यास कर जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात पे शिल्पे परत निशान। इसको चरित इन्होंने काफ़ी ही सुंदर तरीके से इसको दिखाया है इन्होंने करके कि एक बार इनकी हार हुई, लेकिन इन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और अब की बार पुनः इनको किसानों ने फिर से इनको जिताया और इनको बताया कि नहीं, पिछले बार 30-32 लोग कतरा गए थे, लेकिन नहीं, आज वो सारे लोग आपके साथ है, चूंकि एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में आपसे बेहतर नेता और कोई नहीं हो सकता है। हमारी बात पिंटू प्रसाद जी से हुई, इनका कहना है कि बहुत सारी चीज़ें अभी तो हमें समझनी है, चूंकि मैं तो अभी नया पैक्स अध्यक्ष बना हूँ, लेकिन जिस दिन मैं समझ जाऊँगा, किसान के बारीकी से एक एक समस्या का समाधान करने का काम करूँगा, चूंकि उनके विश्वास पर खड़े उतरना हमारी जवाबदेही और जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ। थैंक यू।